हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और अंगुली माल। तो चलिए देखते हैं इस बार कि बांकेलाल ने कौन सा हंगामा मचाया है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। एक सुबह चंदनगढ़ में। महाराज महाराज, सैनिक, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? डाकू अंगुली माल सुरंग बनाकर कारागार से फरार हो गया है। अंगुली माल फरार हो गया? ओह क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। अब जब उसे पता चलेगा कि कुरूपलता का विवाह विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हो चुका है तो वह विशालगढ़ में आतंक मचा देगा। सेनापति, जल्दी ही कुछ करना होगा। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं अभी अंगुली माल को पकड़ने की भरपूर व्यवस्था किए देता हूँ। वह शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और मुझे राजा विक्रम सिंह को भी ये सूचना भेजनी होगी ताकि वह भी बांकेलाल के साथ मिलकर राज्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर ले। अदर अंगुली माल अपने अड्डे पर अपने कुरूप साथियों के दल में। क्या, कुरूप लता का विवाह विक्रम सिंह से हो गया? हाँ सरदार, दुनिया की सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो गया। नहीं नहीं, कुरूप लता से विवाह करने की कसम तो मैंने खाई थी। एकाएक अंगुली माल भयानक ढंग से अठास कर उठा। राजा विक्रम सिंह, कुरूप लता, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। उसी समय विशालगढ़ में। बांकेलाल, तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। महामंत्री जी, अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं? कंबकत, यहां भी बड़ो नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बांकेलाल, हमने तुम्हें छुट्टियों का पुरस्कार तो दे दिया, पर हमें तुम्हारी एक माह तक बहुत याद आएगी। आप फिक्र मत करें महाराज, समय देखते ही देखते गुजर जाएगा। छुट्टियों के पुरस्कार के विषय में जानने के लिए पड़े मुर्दा शैतान। और तब बांकेलाल रवाना हुआ। बांकेलाल जिंदाबाद। उधर डाकू अंगुलीमाल अपने दल बल के साथ विशालगढ़ की सीमा में पहुंच चुका था। होशियार साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक, ठहरो, यह तो चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। ओह सरदार, यह अवश्य आपकी फरारी की सूचना राजा विक्रम सिंह को देने जा रहा होगा, मगर अब यह नहीं बचेगा और इसके हाथ की उंगलियां अंगुलीमाल की माला की शोभा बढ़ाएंगी। हा 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 हा। उधर बांकेलाल भी तेजी के साथ विशालगढ़ की सीमा की ओर बढ़ रहा था। वाह, महाराज ने खूब स्वर्ण मुद्राएं बांधी हैं इस गठरी में, अब मैं खूब मौज करूंगा। ठीक इसी पल बांकेलाल को अपनी इच्छा की अड़ती उठती नजर आई। भेड़ा गर्क, ये तो डाकू लगते हैं। विशालगढ़ से आ रहे हो, बहुत माल ले आए हो। बेटा बाके, अब छुट्टियां ऊपर चलकर मनेंगी तेरी। अचानक बांकेलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उफ, इसकी माला में तो ताजी उंगलियां पिरोई हुई हैं, कहीं ये डाकू अंगुली माल तो नहीं है? ठीक पहचाना, मैं ही हूं अंगुली माल। छीन लो इसका सारा सामान, इसके हाथों की उंगलियां अब अंगुली माल की माला की शोभा बनेंगी। नहीं, अंगुली माल का तरवाल वाला हाथ ऊपर उठा। पकड़ लो इसे। उफ, किस मनहूस घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था, फिर इससे पहले कि अंगुली माल का तलवार वाला हाथ बाकी की उंगलियां शहीद कर डालता। ठहरो सरदार, ठहरो। क्या बात है लाखा सिंह, अंगुली माल के हाथ क्यों रोक दिए तूने? सरदार, ये तो बांकेलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। बांकेलाल, विक्रम सिंह का खास आदमी? बेड़ा घर कोस विक्रम सिंह का, जिसका मैं खास आदमी बन गया। कंबकत को कितनी बार खत्म करके मैं राजा बनना चाहा, लेकिन हर बार मेरी योजना लंगड़ी हो गई। अब ये अंगुली माल मेरी बीन बजाए बिना नहीं छोड़ेगा मुझे। अचानक बांकेलाल का शैतान मन नई शैतानी सोचने लगा। ओ, अगर ये अंगुली माल किसी तरह मुझसे मिल जाए तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करके विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। अंगुली माल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बांकेलाल, तुम जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ अंगुली माल जी, तो मैं विशालगढ़ का राज सिंहासन मिल सकता है। उफ, ये तो जादूगर भी है, मन की बात तुरंत जान लेता है। तुम ठीक समझे बांकेलाल, मेरे पास मन की बात जान लेने की जादुई शक्ति है। वाह, तब तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बांकेलाल, मैंने दुनिया की सबसे कुरूप कन्या से विवाह करने की कसम खाई थी और कुरूप लता ही वह कन्या थी जिसका विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ हो गया। अब मैं जब तक विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला की शोभा नहीं बना लेता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहते हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार उंगली माल, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए मैं विक्रम सिंह तो क्या, पूरे विशालगढ़ के नागरिकों को तो मैं सौंप सकता हूँ। शाबाश बांकेलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पर ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे।
इस प्रकार बाकेलर वापिस महल की ओर चल पड़ा। कुरूप लता, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे राजा विक्रम सिंह। हा। इस जगह का नक्शा बनाता चलूं ताकि वापस इसी स्थान पर लौटने में कोई परेशानी ना हो रास्ते में। अब आएगा मजा बच्चू विक्रम सिंह, तेरे राजपाट के दिन गए अब। और फिर महाराज बांकेलाल सामने। बांकेलाल को देखते राजा विक्रम सिंह और महामंत्री धर्म सिंह आश्चर्य से उछल पड़े। बांकेलाल, तुम इतनी शीघ्र वापस कैसे लौट आए? महाराज, आपके बिना मेरा मन यात्रा में नहीं लगा, तो मैंने सोचा इस यात्रा में मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊं। मुझे? हाँ महाराज, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु बाकेलाल, हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? राजपाट कौन संभालेगा? बाकेलाल जी ठीक कह रहे हैं महाराज। महारानी स्वर्णलता? जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र आप ना करें, मैं सब काम संभाल लूंगी। ठीक ही तो है महाराज, इस प्रकार कुछ दिन आपको भी सुकून व आराम मिलेगा। रानी स्वर्णलता ही कुरूप लता है। सबके जोर देने पर राजा विक्रम सिंह इनकार ना कर सके और बाकेलाल के साथ चल पड़े। वाह, अब उस नक्शे की मदद से मुझे जंगल में अंगुली माल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात, बांकेलाल, मैं घोड़े पर बैठा बैठा थक गया हूं, क्यों ना कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लिया जाए? अवश्य महाराज, किंतु मैंने कुछ आगे एक मनोरम स्थल देखा था जिसका नक्शा भी मैंने बनाया हुआ है, हम विश्राम वहीं करेंगे। कंबखत, वह जगह ही नहीं दिखाई पड़ रही जहां मुझे विक्रम सिंह को लेकर अंगुली माल के पास पहुंचना था, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ओह, ये क्या, मैंने तो नक्शा ही उल्टा पकड़ रखा है। मर गए, न जाने मैं कहां आ पहुंचा हूं। बांकेलाल, कहां है वो मनोरम 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 स्थल? यहां तो चारों तरफ भयानक जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। महाराज, लगता है मैं रास्ता भूल गया हूं, पता नहीं हम कहां आ गए हैं। थोड़ी देर बाद, अब हम किस भयानक जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गए, अब तो शाम हो रही है, शीघ्र ही रात हो जाएगी और जंगली जानवर। बांके महाराज, आप फिक्र मत करें महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए ताकि कोई जानवर आ जाए तो मैं उससे अपनी रक्षा कर सकूं। क्या? मेरा मतलब दोनों की रक्षा कर सकूं। इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बांकेलाल को सौंप देता, ये क्या है बांकेलाल? शायद कोई नई मुसीबत सामने थी। हु अगला बगला बजा दो तबला, जंगली झिंगला लहू झिंगला लहू। बांकेलाल, ये तो नरभक्षी जंगली लगते हैं। उफ, कहां फंस गया मैं इस विक्रम के चक्कर में। अचानक जंगलियों ने नाचना बंद किया और चलो, ये क्या कर रहे हैं बांकेलाल? ये हमें कहीं चलने को कह रहे हैं महाराज। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ पहुंचे। ये तो हमें अपनी बस्ती में ले आए हैं और यहाँ ये जरूर हमारा कीमा बनाकर खाएंगे। बस्ती में पहुंचते ही दोनों को बस्ती वासियों ने घेर लिया। बांकेलाल, इस बार तुमने अपने शासन मुझे भी फंसवा दिया, ना उंगली माल के चक्कर में फंसता ना तेरी ये हालत होती बाके। हिलू 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 हिलू, तभी सरदार ने कहा, हिलू बलि। गुलाबा, इन दोनों चूहों को बंद कर दो, कल इनकी बलि देवता पर चढ़ाई जाएगी। बलि? दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उफ आ, बांकेलाल, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया लगता है, ये जंगली कल हमें देवता पर बलि चढ़ा देंगे। मैं मर गया तो फिर मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ का अगला राजा कौन होगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हमें उस रोशनदान के रास्ते भाग निकलना चाहिए। जल्दी करो बाके, जल्दी करो, पहले मुझे बाहर निकालो। बाके ने घास फूस की कोठरी का रोशनदान एक ही झटके में उखाड़ दिया। खड़ाक, और जल्दी कीजिए महाराज, कोई आहट ना हो। जैसे तैसे राजा विक्रम सिंह बाहर निकला, फिर बांकेलाल खुद भी बाहर निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज, जल्दी भागो। दोनों अंधाधुंध भाग निकले। अगर अंगुली माल को वचन न दिया तो इस राजा विक्रम सिंह का बाजा में यही बजवा देता। जंगली इसका मांस नोच नोच कर खा जाते और मैं बनता विशालगढ़ का नया राजा। पर हाय री फूटी फूटी किस्मत, बाप रे, जान बची। ओ ओ, दलदल, बांकेलाल, मैं दलदल में फंस गया हूं, बचाओ मुझे। आ, बांकेलाल बचाओ। महाराज, ये शाखाएं पकड़ लीजिए जल्दी। अंगुली माल को महाराज की उंगलियां ना मिली तो मैं मेरा सिर काटकर अपनी माला में पिरो लेगा। विक्रम सिंह ने तुरंत शाखाएं पकड़ ली और उफ, बाल बाल बच गया आज तो। शीघ्र ही महाराज, वह देखिए, इस गुफा में रात बिताना उचित रहेगा। वाह, ये गुफा बड़े मौके पर मिली है, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी। दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। ये तो काफी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल हमें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, सुबह आगे बढ़ेंगे।
मुझे उम्मीद है कि ये गुफा हमें जंगलियों के इलाके से बहुत दूर ले जाएगी। थके होने के कारण दोनों वहीं सो गए। अगले दिन, बाकीलाल, पता नहीं ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी। काश डाकू उंगलीमाल के अड्डे पर खत्म हो। शीघ्र ही गुफा का मुंह। वाह, आखिर हम उन जंगलियों के इलाके से दूर आ ही गए, वरना बेकार ही दो चार जंगली मेरे तलवार की धार पर शहीद हो जाते। हे हे हे। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही, महाराज जंगली, उफ बाकीलाल, ये गुफा तो हमें फिर वही ले आई जहां से हम भाग निकले थे। भागने का समय नहीं था, जंगलियों ने फिर बंदी बना लिया। अब ये जंगली हमें जरूर भून कर खा जाएंगे महाराज। नहीं, दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ओ, ये दोनों तो भाग गए थे, अब देर करना उचित नहीं गालूबा। इन दोनों को नहलाकर देवता के चरणों के पास ले जाओ। हुलु हुलु। शीघ्र ही दोनों को नहला धुला कर तैयार कर दिया गया। बाकीलाल, ये क्या हो रहा है? हमें बलि देने की तैयारी। उधर डाकू अंगुलीमाल, क्यों रे लाखा, क्या खबर लाया है? सरदार, बाकीलाल तो राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से जा चुका है। ओ, तब फिर अब तक वह मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? सरदार, कहीं बाकीलाल राह भटक कर घने जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया? ऐसा हो सकता है। साथियों, चारों तरफ फैल जाओ और उन दोनों को ढूंढ कर मेरे सामने पेश करो। मैं खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूं। सभी डाकू टिड्डी दल की तरह जंगल में फैल गए। उधर बाके का बुरा हाल था। बेटा बाके, आज तेरे दिमाग को जंग क्यों लग गया? कहां गई तेरी सारी योजनाएं? बाकीलाल कहां फंसा दिया? तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। अंतिम इच्छा? ओह, अगर मैं इनसे कह दूं कि हमारी अंतिम इच्छा इन जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंसे पर सैर करने की है तो? वाह, बन गया काम। मैं तो भैंसे पर बैठते भाग निकलूंगा और राजा विक्रम इन जंगलियों के हाथों मारा जाएगा। मन ही मन यह निश्चय करने के बाद बांकेलाल ने सरदार को मन की बात बता दी। ठीक है गोलाबा, पहले इन्हें भैंसे की सैर कराओ। न जाने बाकी क्या चक्कर चला रहा है, काम बनता नजर आ रहा है। और फिर दोनों को जंगलियों के कपड़े पहनाकर भैंसे पर बिठा दिया गया। वाह, अब जरा इस भैंसे की कमर पर एक चुटकी काटने की देर है। तभी सरदार के पीछे खड़ा जंगली सरदार के कान के निकट फुसफुसाया। सरदार चौंक उठा और देवता की मूर्ति के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने लगा। भुलू भुलू। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल की कॉमिक्स बांकेलाल और उंगली माल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।